कलर रंग बिरंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसा हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। अभी मैं हूँ भीलवाड़ा में। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही भीलवाड़ा में आया हूँ और आते ही मेरी मतलब तबीयत भी ख़राब हो गई और इन 2-3 दिन में मैंने भाई 2 ट्रिप भी कैंसिल कर दी। एक भाई अपनी कश्मीर की ट्रिप थी और दूसरी भाई दिल्ली की ट्रिप थी, जो कि भाई आज कवरेज था। भारत की पहली सबसे तेज चलने वाली मेट्रो बनी है, उसका मीडिया कवरेज था, जिसको RRTS NCRT जो कि रैपिड रेल चलती है ना, तो वहीं पर था कवरेज। तो आज मैं गया नहीं वहाँ पर, मुझे कल निकलना था तो उसको भी मैंने छोड़ दिया। तो खैर ये सारी चीज़ें छोड़ो, फिलहाल अभी मैं हूँ भीलवाड़ा में और अभी भाई हमने सोचा क्यों ना भाई चलते हैं गणेश मंदिर, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। आज से भाई गणेश जी की स्थापना हो चुकी है। गांधीनगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लगता है मेला। मैं 2 साल हो गए मेरे को कवर करते हुए, ये 3रा साल है, तो सोचा क्यों ना चलता हूँ। अभी बज रहे 8:30, आकाश आ जाए उसके बाद हम निकलते हैं, तैयार यार होके मंदिर में दर्शन कराते हैं और माहौल दिखाते हैं भीलवाड़ा का। तो गाइस अभी रेडी हो गया हूँ मैं भाई, अभी हम निकल रहे हैं घर से, रेडी हो गया हूँ भाई, आकाश भी आ गया और अभी हम निकलते हैं। और अब की बार हम कोशिश करेंगे कि भीलवाड़ा में जितनी भी जगह गणेश जी को बैठाया जाता है ना, तो हर जगह जाकर कवर करें। हैं 5-7 लोकेशन हैं, तो फिलहाल घर से निकलते हैं। अभी हमने निकाल ली अपनी गाड़ी, लगा दी है चाबी और अभी हम निकल रहे हैं इस रास्ते से। भाई रोडें साफ हो चुकी है, इस साइड में देखो ऐसा कुछ सीन है, ज़्यादा क्राउड वाला सीन नहीं है, वैसे तो बहुत क्राउड रहता है इस रोड पर। लेफ्ट लेके हम निकलते हैं भाई पांसल वाली पुर वाली रोड पे, उसके बाद में पहुंचते हैं गांधीनगर, गांधी मंदिर, गांधी जी के गांधीनगर में गणेश जी के मंदिर। और भाई इस टाइम रोडें साफ हैं तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि भाई मैं तो गाड़ी चला रहा हूं इसलिए। तो गैस इधर तो रास्ता ही बंद कर दिया, देखो इधर पूरा रास्ता बंद है, इधर ट्रैफिक लगा हुआ है, ये रास्ता गया सीधा, इस साइड वाला रास्ता गया पूरा। तो अपन ऐसा करते हैं कि लाइक घूम के चलते हैं, बैक वाले रास्ते से गाड़ी अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस गाड़ी हमने यहीं पर लगा दी, गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है, ठीक है देख लो भाई कुछ ऐसा माहौल है। इस रास्ते से हम जा रहे हैं, मेन वैसे यही रास्ता है सीधा मंदिर जाने के लिए। भाई देखो क्या माहौल है भाई, क्या मतलब मार्केट सा लग रहा है, बाजार मेला सा लग रहा है और क्राउड तो सही में भीड़ तो बहुत ज़्यादा है गाइस। भाई क्राउड देखो यहाँ पर कुछ ऐसा क्राउड है, ऐसा कुछ क्राउड है गाइस, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, देखो वो है लाइट जहाँ पर लगी है ना, वो है मंदिर और हम पहुँच चुके हैं इस लोकेशन पे। भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, भीलवाड़ा में लोग बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा था भीलवाड़ा में लोग नहीं है ज़्यादा, बट मेले आकर पता चलता है कि भाई लोग हैं और एक्टिव लोग हैं। मेला वेला लगता है ना तो सारे लोग आते हैं मेला को देखने, एन्जॉय करने। हम भी आए हैं दर्शन करने और एन्जॉय करने। फिलहाल अभी आप ये इधर का सीन देखो, इधर सारे सामान वामान बिक रहे हैं, भैया बेच रहे हैं मस्त है। इधर देखो मसाले, इधर मेहंदी वहंदी लग रही है, इधर खाने पीने का आइटम बिक रहा है। इधर से एंट्री है और इधर से एग्जिट है, ऐसा समझ लो, ऐसा सीन है यहाँ पर। और आकाश अपने साथ है भाई, आकाश को फ़ोन करके बुलाया मैंने। इधर देखो पानी जल सेवा चल रही है भाई, बहुत सारे ठंडा कैंपर रखे हुए हैं, ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, जल सेवा रखी है। रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर जलपान है आई थिंक, जल सेवा। इस साइड में इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेंपल की तरफ से भगवत गीता दी जा रही है भाई। मेहंदी इधर देखो भाई, हाथ में भाई टैटू आर्टिस्ट भाई। क्राउड देखो यहाँ पर, भीड़ देखो लोगों की भाई, आगे तक नहीं जा पा रहे इतनी भीड़ है यहाँ पर, ऐसा कुछ सीन है। और इधर पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, इधर देखो आगे झूले भी लगे हुए हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मंदिर के सामने, जय हो गणेश बाबा की, जय हो। अभी हम चल रहे हैं इस साइड में, इस साइड से लाइनें लगेंगी और इधर अंदर जाने का रास्ता है। हम लग चुके हैं लाइन में और यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। इस साइड में भाई मेला चल रहा है, इस साइड में लाइन स्टार्ट हो गई है मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो गाइस सामने LED में दर्शन कर लो आप सबसे पहले, तो अंदर तो मैं भी अलाउ नहीं है, अंदर तो अलाउ नहीं है बट LED में दर्शन करा सकता हूँ मैं आपको। चाहिए
बार बार अनुरोध किया जा रहा है आप लोगों से जिसके चक्कर ना हो रहे अभी हम निकल रहे हैं बाहर, दर्शन हो गए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए, बहुत धीरे और बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। यहाँ पर बट रहा है भाई प्रसाद, प्रसाद लो, प्रसाद लेने के बाद ही यहाँ से जाओ गाइस। तो गाइस हमने दो बार प्रसाद ले लिया है, तो गाइस दर्शन हो गए हमारे, भीड़ बहुत थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए और एक ही बार में लाइन मतलब चलना स्टार्ट हुई, मतलब अंदर पहुंच गए, दर्शन करके बाहर आ गए, रुके नहीं, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, प्रसाद भी दो दो बार खा लिया, अभी पानी पीते हैं, फिर मेला घूमते हैं, उसके बाद में घर के लिए निकलते हैं। ठीक है, मेन मोटिव दर्शन था जो कि हो चुके हैं, अभी घूमते हैं। तो गाइस अभी आप यहाँ पर भीड़ देखो, इधर से सारी भीड़ आ रही है और सारी भीड़ जा रही भाई मंदिर में दर्शन करने और इधर मेले में घूमने, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। अब भीड़ कम हो गई, पहले भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो गाइस इस साइड में कुछ ऐसा सीन है, इधर इस तरह की सारी शॉप लगी होती है साइड में, खाने पीने का आइटम मिलता रहता है यहाँ से, मतलब वहाँ से लेके बैक साइड तक काफ़ी दूर तक लगी रहती है, इधर खाने पीने का आइटम मिलता है और इधर भीड़ कम रहती है, तो आराम से आप घूम सकते हो। उधर तो भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है, घूम ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है उधर। भाई भीलवाड़ा में सबसे सस्ते आलू बड़े 2-20 रुपये में दो, बाकी तो 15-20 रुपये के देते हैं, ये 10 रुपये में पता नहीं कैसे दे रहे हैं। दे दो भैया, मनमोहन चिवड़ा भंडार। अरे आलू बड़े कैसे दिए? 10 रुपये। तो गाइस हमने यहाँ पर ले लिए आलू बड़े, मसालेदार कुछ ऐसे हैं आलू बड़े। तो गाइस आलू बड़ा टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, सच बता रहा हूँ। भीलवाड़ा में फेमस है आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा और कचौरी वचौरी, मैंने ख़त्म कर दिया, टेस्ट बहुत अच्छा है, एक बार लेते हैं। गाइस इधर देखो खाने पीने का आइटम भाई क्या बिक रहा है, दबाकर चीज़ें बिक रही है, खाने पीने की तो भाई भरमार लगी हुई है, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे भाई कचौरी समोसे भुट्टे मक्के की सब मिल जाएंगे, बहुत ही मतलब आइसक्रीम भी मिल जाएगी। भाई आलू की टिक्की देखो, खाने पीने का आइटम 30 रुपये की टिक्की बिक रही है, इधर छोले कुलचे बिक रहे हैं 40-50 रुपये की प्लेट है, 40 रुपये के सिंपल बटर वाले 50 रुपये। अभी हम ट्राई कर रहे हैं छोले कुलचे एक प्लेट, जो कि भीलवाड़ा में बहुत कम मिलते हैं, एक दो जगह ही है जहाँ पर मिलते हैं, अब पता नहीं कितने साल बाद ट्राई कर रहा हूँ मैं ये। तो गाइस छोले कुलचे ले लिए, इधर कुछ ऐसा सीन है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, दिल्ली में तो बहुत ट्राई किए, यहाँ पर पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस 2-3 चीज़ें हमने खा ली, अभी हम चलते हैं घर पे, खाना खाते हैं चल के, और रास्ते में अगर और कुछ यूनिक सी चीज़ मिली तो खा लेंगे, वरना घर जाएंगे, घर का खाना भी खाना है इसलिए। तो चलो आपको क्राउड में फिर से एंटर होते हैं भीड़ भाड़ में, उसके बाद में भीड़ भाड़ दिखाते हुए बाहर निकलते हैं, बाइक उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कलर रंग बिरंगे हैं, हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में, गाड़ी यहीं पर है, ये है भाई विशाल मेगा मार्ट, पुराना वाला तोड़ फोड़ के शायद नया बना रहे हैं, इसको कुछ और कर रहे हैं पता नहीं है। बैक साइड में पूरा घूम घाम के आ गए, अभी हम जा रहे हैं घर पे, 10:30 तो वहीं बज गया था, यहाँ पर हो सकता है 11:15 बज गए होंगे। तो ऐसा करते हैं घर चलते हैं और लेबर कॉलोनी होते हुए चलते हैं, देखते हैं कि भाई गणेश जी अब की बार बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और अब की बार जितने भी गणेश जी जहाँ जहाँ भी बैठे होंगे ना, मैं वहाँ जाकर कवर करके आऊँगा। ठीक है, मानिक नगर हो गया, लेबर कॉलोनी में 2 जगह हो गई, और पटेल नगर, बापू नगर, और भी बहुत सारी जगह है, तो वहाँ पर जाएंगे और कवर करके आएंगे। तो गाइस इधर देखो क्या मस्त सजाए गणेश जी को, भाई वो बैठे हैं गणेश जी। अभी हम ऐसा करते हैं घर पे चलते हैं और कल आएंगे, कल या परसों आएंगे यहाँ पर कवर करने। ठीक है, तो गाइस अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पर देख रहे हो आपको भीलवाड़ा के व्लॉग मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी ऑफ करते हैं क्योंकि मेन रोड पे खड़े हैं हम, बाद में मिलते हैं अगले ब्लॉग में।